जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक। इमाम ज़माना ने दो वसीयतें की थी, का एक तकवा इलाही खौफ खुदा थामे रखना, दूसरा दुनिया की मोहब्बत में इतना आगे न बढ़ना कि शरीयत खुदा को पामाल कर दो। अहले बैत कल भी मैंने कहा गयूर है, आज एक मौलवी की वैल्यू क्या है अवाम में, मुख्तसर वक्त है दो जुमले, एक आलिम की वैल्यू क्या है अवाम में, आज आज एक आलिम की ये वैल्यू है कि उसे अपनी शादी में बुला के सिर्फ निकाह पढ़ाया जाए बस। हमारे कराची में एक मौलाना थे, एक शादी में गए, का मौलाना वो हंगामा बदतमीज़ी था, शरीयत खुदा पामाल। ये जब हम पामाल करते हैं ना, हमें पता नहीं होता हम किस से जंग कर रहे हैं। मतलब खुदा ने एक हुक्म दिया, मैं कहता हूँ अल्लाह नहीं करता, तुझे जो करना है तू कर, तूने बोला ना ये वाजिब है, मैं नहीं बोलता। और दूसरी दुश्मनी करते हैं मौलाना साहब से, मौलाना क्यों हमें बोल रहे हैं, ये हमारी सिफत, ये सिफत शैतानी है कि शैतान इसके बजाय कि खुदा को बोले कि खुदाया मैंने गलती की, तो कहने लगा है खुदा तूने मुझे गुमराह किया है, तेरी गलती है, तू आदम को न बनाता, मैं तेरे मुकाबले में थोड़ी खड़ा होता। जो अपनी गलती ना माने वो शैतान है, जो अपने ऐब को दूर न करे वो शैतान है। अगर शरीयत की पामाली जंग खुदा है, मतलब कहता है खुदा तूने मना किया मैं करके दिखा रहा हूं, मैं तेरी नाफरमानी कर रहा हूं, तुझे जो करना है कर। अल्लाह कहता मैं मोहलत दे रहा हूं, जब तक जिंदा है मोहलत दे रहा हूं, मुझे जो करना है तू कब्र में आ, फिर वहां पे वापसी का रास्ता नहीं है, तो कब्र में तो आ, फिर मैं तुझे बताता हूं कि खुदा की कुदरत क्या है। तो कहने लगे मौलाना कराची में शादी में गए, हंगामा, लेडीज मर्द मिक्स, माहौल का बहरिया में नहीं है कि हमारे घरों का ये माहौल नहीं है, कि हमारी शादियों का ये माहौल नहीं है। क्या उन्होंने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ा था, क्या उस बंदे ने पिस्टल निकाल लिया, मौलवी साहब निकाह नहीं पढ़ाओगे तो मारे जाओगे, बेइज्जती करवाओगे हमारी, लोग आए और एंड टाइम पे मौलवी ना मिले निकाह कौन पढ़ाएगा। यानी कितनी भी शादियां रचाए फिर भी किसका मोहताज है, मौलवी का मोहताज है ना। इन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मारना है तो मार दो। तो कहा कब पढ़ाएंगे, कहा थोड़ा बेहयाई ख़त्म करो, एक कमरे में ले जाओ दूल्हे को, मैं इन लोगों के बीच में आके निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। कहते मौलाना जल्दी जल्दी मैंने निकाह पढ़ाया, जो उसने नजराना जो भी देना था वो भी उसके मुंह पे मारा। मैंने कहा आज तुम्हारी शादी में आया हूँ, जिस शादी में मुझ जैसा मौलवी नहीं आ सकता तो तेरी शादी में इमाम ज़माना कैसे आएगा। ऐसा हुलिया बना, ऐसा घर बना जिसमें इमाम ज़माना आए। इमाम बारगाह और मस्जिद में बैठ के और घरों पे आलम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन कल्ब तो ऐसा बना, जिंदगी तो ऐसी बना कि इमाम ज़माना तेरी शादी में तो आ सके। आज हाल ये है हमारा कि वक्त का इमाम नहीं आ सकता। आज हर बच्ची ये सोचे कि सैयदा का लिबास क्या था, अगर बीबी होती तो इस माशरे में कैसे चलती। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक।